तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपको एक टेस्ट लगा करके यहाँ बताने वाला हूँ। ऑर्गेनिक कंपाउंड का ये फंक्शनल ग्रुप का टेस्ट है और कीटोनिक ग्रुप यहाँ रहेगा इस एक्सपेरिमेंट में। और कीटोनिक में मेरे पास है यहाँ एसीटोन, और एसीटोन में कीटोनिक ग्रुप होता है, आपको अच्छे से जानकारी होगी इसके बारे में। तो ड्यूरिंग दिस एक्सपेरिमेंट हमें चाहिए एक ये रिएजेंट जिसको हम एम डाइनाइट्रोबेंजीन बोलते हैं। ये रहा एम डाइनाइट्रोबेंजीन का एक सॉल्ट है और इसको हम लेबोरेटरी रिएजेंट बोल सकते हैं। और साथ के साथ मुझे चाहिए यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, ये रहा सोडियम हाइड्रोक्साइड का डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। तो इस टेस्ट में हमें करना क्या है, तो इसकी स्कीम मैं आपको बताता चलूँ। तो ये स्कीम है, दिस इज यहाँ लिखा है कि टेस्ट फॉर कीटोनिक ग्रुप। कीटोनिक कार्बोनाइल ग्रुप में ही आता है, कार्बोनाइल ग्रुप में दो ग्रुप पढ़े जाते हैं, एक जनरली एक एल्डिहाइड है और दूसरा है हमारे पास यहाँ एसीटोन में जो ग्रुप होता है जिसको हम कीटोनिक ग्रुप बोलते हैं। तो इन दिस एक्सपेरिमेंट एम मतलब मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन टेस्ट है। वी हैव टू टेक 4 से 5 ड्रॉपलेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड लिक्विड फॉर्म में है तो उसको 4 से 5 ड्रॉप सफिशेंट रहेगी, और ऑर्गेनिक कंपाउंड 0.51 ग्राम लगभग ले लेना है। आफ्टर देन वी हैव टू ऐड एम डाइनाइट्रोबेंजीन, पाउडर फॉर्म में होगा, उसमें ऐड कर देना है। और ऐड करने के बाद उसमें डाइल्यूटेड फॉर्म में जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन बनाया था मैंने या ऑलरेडी बना हुआ होगा, उसको एक्सेस में डाल करके देखना है और शेक वेल करना है, अच्छे से इसको हिलाना है। और ऑब्जर्वेशन में हमें इंडिकेट होगा कि वायलेट कलर वहाँ से अपीयर हो चुका है। अगर ये इंडिकेट करता है कि वायलेट कलर बन चुका है, दैट मीन्स हमें कंफर्म हो जाएगा कि गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड में कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है। और इन्फ्रेंस का मतलब होता है कि हमें पता चल गया है फाइनली कि सी ओ ग्रुप जो लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं इसी फॉर्म में इसको लिखना है, कीटोनिक ग्रुप जो है प्रेजेंट होता है। तो आप इसको स्क्रीन शॉट इसका ले सकते हैं स्कीम का। तो चलिए हम इस रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो ये ही टेस्ट ट्यूब होल्डर की हेल्प से इसको मैंने यहाँ से ट्यूब को पकड़ा है, ये देख सकते हैं। और अभी ऐड करने वाला हूँ यहाँ एसीटोन, तो कुछ ड्रॉपलेट इसमें ऐड कर देते हैं, 4 से 5 ml आई थिंक सफिशेंट रहेगा। तो ये रहा एसीटोन जिसमें कीटोनिक ग्रुप होता है। और नाउ नेक्स्ट जो इसका स्टेप रहेगा, ये देखिए एसीटोन भी एक कलरलेस सॉल्यूशन होता है, आपको मैं दिखाने की यहाँ कोशिश कर रहा हूँ, ये देखिएगा। और ऑर्गेनिक कंपाउंड है CH3CO CH3, इसका फार्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूलेशन होती है। तो अभी इसमें हम क्या ऐड करने वाले हैं, एम डाइनाइट्रोबेंजीन जो कि एक सॉलिड फॉर्म में होता है। मैं पहले उसको दिखा देता हूँ आपको कि कैसा होता है ये एम डाइनाइट्रोबेंजीन। इसको फ्रेंड्स 1,3-डाइनाइट्रोबेंजीन भी बोलते हैं। तो चलिए इसको भी दिखा देता हूँ मैं आपको ओपन करके, क्या इसकी पहचान है। ये देखिएगा लिखा हुआ है इसमें एम डाइनाइट्रोबेंजीन 1,3-डाइनाइट्रोबेंजीन, और इसकी ये फॉर्मूलेशन में लिखा है C6H4NO2। तो चलिए इसको ओपन करते हैं और यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा ये सॉल्ट है। और ये एक मुझे येलो कलर सा, पेल येलो कलर देखने को मिल रहा है, हल्का येलो कलर की फॉर्म में। फ्रेंड्स, यहाँ मैंने इसको इस वॉच ग्लास में रख लिया है, और ये देखिएगा सॉल्ट इस कलर का, येलो कलर का, हल्के येलो कलर का ये स्टिक्स हैं एक तरह से, ये देख सकते हैं। ये रहा मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन का सॉल्ट, ये बड़ी बड़ी स्टिक्स टाइप हैं, एकदम सॉल्ट नहीं है। तो इसको हमने कहाँ ऐड करना है, अभी जो भी गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, दैट मीन्स यहाँ एसीटोन मेरे पास है, तो इसमें ऐड करके देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ मैं ये जो स्टिक्स हैं जो कि मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन की है, इसको मैं गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऐड करने वाला हूँ। ये देखिएगा ये मैंने ऐड कर दिए हैं, ये कुछ येलो कलर जो है इंडिकेट हो रहा है,
ये देखिएगा कुछ और ऐड कर दिए, 2,4-dinitrobenzene। यहाँ मैंने गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि एसीटोन था उसमें ऐड कर दिए हैं, और मुझे हल्का येलो कलर मतलब फील हो रहा है, ऑब्जर्व हो रहा है, ये देख सकते हैं। आफ्टर देन फ्रेंड्स, हमारा जो स्कीम होती है उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करना होता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करने के बाद शेक करना है अच्छे से, और एक वायलेट कलर जो है इंडिकेट होगा जो हमें रिकन्फर्म करेगा कि कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट सच में है। तो चलिए उसके लिए हम NaOH सॉल्यूशन को ऐड करते हैं। तो ये है NaOH सॉल्यूशन और सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन को हमने इसी सॉल्यूशन में जिसमें हमने कीटोनिक ग्रुप जो प्रेजेंट था और एसिड और इसमें M डाइनाइट्रोबेंजीन एडेड है इसी में हम ऐड करते हैं। तो देखते हैं कुछ बदलाव आता है या नहीं आता है। और ये रहा आपके सामने, ये देखिएगा वायलेट कलर की एक नीचे लेयर आप देख सकते हैं। वाओ ग्रेट, बहुत ही अलग तरह का ये टेस्ट है, बहुत अमेजिंग है। वायलेट कलर देख सकते हैं फ्रेंड्स आपके सामने है, और एक रिंग सी बनी हुई है, ये देखिएगा, जो कि कीटोनिक ग्रुप की यहां इंडिकेशन बता रहा है, जो कि बता रहा है कि गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड में कीटोनिक ग्रुप ही प्रेजेंट है। तो ये बहुत ही अलग तरह का टेस्ट है, मुझे भी देखने में बहुत मजा आ रहा है। और चलिए इसको शेक करते हैं, देखते हैं इसमें कुछ बदलाव आता है या नहीं आता है। तो इसको मैं शेक कर रहा हूँ, ये देखिएगा बहुत विग्रेसली मैंने शेक करने की कोशिश की है, लेकिन ये जो लेयर है वायलेट कलर और एक कलरलेस हल्का सा कलर जो नीचे इसके बॉटम एंड में है, येलो कलर है बहुत पतला हल्का येलो कलर, इन दोनों में कोई भी मिक्सिंग नहीं हो रही है, एकदम हेट्रोजीनियस टाइप मिक्सचर बने हुए हैं, ये देख सकते हैं फ्रेंड्स आप, होमोजीनियस हो ही नहीं रहे हैं ये। जब इनको शेक करने के बाद पार्टिकल नीचे आते हैं तो तुरंत ही ये अपर लेयर में वायलेट कलर के पार्टिकल ऊपर चले जाते हैं, अपीयरेंस उनकी ऊपर हो जाती है टॉप एंड टॉप पे, और बॉटम एंड पे एक अलग लेयर यहाँ देखने को मिल रही है। तो बहुत ही अमेजिंग टेस्ट था फ्रेंड्स, मैंने भी सेकंड टाइम ही इस टेस्ट को परफॉर्म किया है आपको दिखाने के लिए। तो आई होप आपने इस टेस्ट को एंजॉय भी किया होगा, और यहाँ से हमें कुछ सीखने को समझने को भी मिला है कि कीटोनिक ग्रुप अगर होगा तो वायलेट कलर की इंडिकेशन होगी, और जब हम इसमें M डाइनाइट्रोबेंजीन ऐड करेंगे जो भी हमारा गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, और साथ के साथ इसमें डाइल्यूटेड NaOH डालना होता है। तो आई होप फ्रेंड्स, अगर आप चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे होंगे तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे और लाइफ को एंजॉय करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग दिस चैनल।